महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षकों की बहाली के संबंध में लिए गए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी गई और अब इसके अंतर्गत पदों के सृजन हुए, जैसे मूल कोटि के 40,185 पद जो मरणशील हो गए थे एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर शिक्षक के क्रम से मूल कोटि के स्नातक कोटि के 5,534 एवं 1,745 सभी पदों को प्रत्यापित करते हुए अब 1 से 5 तक के जो पद हैं वो 85,477 और 6 से 8 1,745 पद। तो ये आप समझ सकते हैं कि कुल जो पद सृजित हुए हैं वो 85,477 जो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 1,745 पद का सृजन हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय हुआ है कि यह जो परीक्षा है वो बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी, यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ अनुमानित 46,29,23,07,120 रुपए का व्यय होगा। तो ये मंत्रिपरिषद ने जो टीचर्स का जो पद सृजन है आपका 1 से 5 और साथ ही साथ आपका 6 से 8 का पद सृजन, साथ ही साथ उसका मूल कोटि का वेतन निर्धारण और साथ ही साथ इसका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके साथ ही साथ जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 है इसमें जो 11 से 12 और 9 से 10 के भी पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 11 से 12 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं 57,618 पद सृजित हुए हैं और 9 से 10 के लिए 33,186 पद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चार आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण हैं, 1 से 5 के हैं 85,477, 6 से 8 के हैं 1,745, आपके 11 से 12 हैं 57,618 और 9 से 10 हैं 33,186। तो चार आंकड़ों को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको ग्रैंड टोटल मिल जाएगा कि कितने पदों का सृजन हुआ है, ठीक है। और सभी के वेतनमान भी निर्धारित हो गए हैं